अब ये जो मेरे साथ जो बच्चे हैं उनसे भी बात करता हूँ, आप लोग बोलो, आप लोगों को और इधर हो गया, मैं इधर ले लेता हूँ, बोलिए आपको क्या पूछना है, क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। और सर मेरा आप सभी से क्वेश्चन ये है कि इस तरह से रवैया नीट और सर NTA और भारत सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि सर दोबारा एग्जाम ले पाएगी? क्योंकि सर बार बार वो कंसोल करना चाह रही है, जैसे कि अभी वो 1563 बच्चों को कंसोल कर रही है, ये क्या आधार बनाया उस चीज़ को? ठीक है, और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? हाँ आप बोलिए, आगे आइए, नाम बताइए अपना। अंकित सिंह नाम है मेरा। हम एक बहुत बड़े वर्ग को इग्नोर कर रहे हैं इसमें, उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने एक्चुअल में तैयारी की थी और उनके नंबर सही थे, उन्होंने नकल नहीं किया था। हर बार आप लोगों ने बताया डेटा कि 20,000 25,000, इस बार हम 20,000 ही माने, तो क्या केवल एक रास्ता यही है कि हम पूरे नीट को ही रीनीट कराएं, एग्जाम कैंसिल कर दें? उन 20,000 का क्या, क्योंकि एग्जाम देना अपने आप में एक बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि 24 लाख बच्चे कल्प्रिट हैं, तो उनके बारे में क्या जो इसमें सही से तैयारी करके सही तरीके से पास हुए हों? एक निशांत नाम के दर्शक श्रावस्ती से हमारे साथ उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। निशांत पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, हमारा सवाल ये है कि ये जो कोर्ट का आदेश आया 1563 बच्चों को दोबारा रीनीट होगा, तो उसमें जो छात्रों का सही टाइम लॉस हुआ है और वो छात्र वहाँ पर दलील नहीं दे पाए, तो उन छात्रों का क्या होगा? ये भी बात हो चुकी है निशांत, यहाँ पर अभी ये बात उठी है, कई छात्र हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि हमें देर से पेपर मिला लेकिन हम कहीं कुछ कह नहीं पाए। लेकिन मैं चाहता हूँ डॉक्टर रावल आप इनके सवाल का जवाब दीजिए कि बहुत से छात्र जो बिल्कुल फेयर होंगे, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी की होगी, अब जरूरी है नहीं है कि वो दोबारा परीक्षा में बैठे हैं तो बिल्कुल वही नंबर ले आए, तो क्या उनके साथ ही अनफेयर नहीं होगा रीनीट? देखिए बिल्कुल ठीक बात है, उनके साथ अनफेयर होगा, लेकिन अब जब ये समस्या आ गई है तो मैंने पहले भी कहा था, सर ने भी अभी बताया कि 1563 का मामला नहीं है, ये और लोगों को भी ग्रेस दिया गया है, क्लियरली इंडिकेट हो रहा है रिजल्ट में, और वो बहुत बल्क है, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप उनको कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्या और इस बात का एश्योरेंस भी देना पड़ेगा, सीट जो फिल की थी, ग्रेस मार्क की ही तो बात हो रही है ना, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसको किसको ग्रेस मार्क दिया गया था, क्योंकि हम एक काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, रीनीट कराओगे, क्या श्योरिटी है? क्योंकि मेंटली डिस्ट्रेसिंग होता है दोबारा एग्जाम देना, तो क्या श्योरिटी है? कोई बच्चा 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, कोई 4 साल से प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रजेश जी इसका जवाब आपके पास है? कोई इसका जवाब दे रहा हूँ इसका जल्दी। सबसे पहले बात है इसमें, अगर हम सॉल्यूशन सोचे कि जो 1563 बच्चों का एग्जाम वापस से कराते हैं, मैं सीधे बोलूंगा इनको जोड़ो या हटाओ फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। नंबर टू, अगर हम सोचें कि असंतुष्ट जितने बच्चे उनको अलाउ कर दें तो बच्चे आएंगे नहीं जिनको फिर सेट किया गया है, वो तो हो गए पास। तीसरा आता है, अगर जो बात कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, अभी तो 100 नंबर में बोला मैंने, इन्होंने आपको सुना होगा अपना जो 7 जून को रात को 3 पेज का निकाला नोटिफिकेशन, उसमें कहा था हमने स्कोर जो रिवाइज करके ग्रेस मार्क्स देने का रिवाइज किया है तो -20 से 720 पहुंचा, इसका मतलब नीचे तो कितना गजब हुआ होगा। अब मैं आपसे यहां कह रहा हूं, कई बार कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, बोलते हैं अपन, कई बार ऐसा होता है, हमें मालूम है कि इन बच्चों को सफर करना पड़ेगा, मतलब ये आप मान के चलिए सर हमारे जितने टॉपर बच्चे सब तैयार बैठे हैं, ये तो आप ये भी एक सवाल है। लेकिन शालिनी हमारे साथ हैं, डॉक्टर धीरज जी आ रहा हूं मैं आपके साथ, डॉक्टर राहुल मैं आपके पास भी आ रहा हूं, शालिनी आपके साथ कुछ छात्र हो अगर वो हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं, बताइए। आपने एग्जाम दिया था, इस बार हमारे स्टूडियो में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे क्या सवाल करना चाहती हैं? नाम भी बताइएगा। मेरा नाम तानिया यादव है, हरियाणा से। हाँ। मेरे 625 मार्क्स हैं। हाँ। इस बार 53,072 रैंक है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछली बार मेरे नंबर पे सवाल करना चाहें हमारे स्टूडियो में बैठे गेस्ट से, तो क्या सवाल करना चाहें? मेरा यही सवाल है कि इतने ज़्यादा बच्चे बीच में कहाँ से आ गए, जो कि पिछले साल इतने बच्चे नहीं थे, अब की बार इतने बच्चे कैसे बढ़ गए, इतनी रैंकिंग में कैसे इन्फ्लेशन आ सकती है, क्योंकि पेपर बिल्कुल सेम लेवल का था। ये सवाल शालिनी मैं डॉक्टर राहुल से चाहूंगा, वो इसका जवाब दे। डॉक्टर राहुल इसका जवाब आप दीजिए, फिर जितेंद्र के पास जाएं। सबसे पहले भी कही कि जो इन्फ्लेशन है ये जस्टिफाई नहीं होता है, खाली 1563 जो स्टूडेंट्स का नंबर बताया जा रहा है ये वो नंबर नहीं है, डेफिनेटली बात यहाँ पे कम से कम 25-30 हज़ार बच्चों की हो रही है जिनको यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। जैसे महेश्वरी सर ने ही बोला कि जो 620 से 720 का जो ब्रैकेट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं और ये जबरदस्ती ऐसा लगता है कि इंसर्ट किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। इंसर्ट किया गया जो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, कौन इंसर्ट कर रहा है? मतलब देखिए ये है कि
किसी भी एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स आएंगे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे बैठे हैं, कैसा कंपटीशन है। एग्जाम का लेवल लगभग लगभग सेम था, ऐसा नहीं था कि एग्जाम बहुत ज्यादा इजी हो। स्टूडेंट्स भी थोड़ा बहुत मार्जिन ही 1-2 लाख से नंबर बड़े होंगे, तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है कि टॉप कर जाएं, इतने सारे स्टूडेंट्स मतलब सारे एक्सपर्ट्स मोर और लेस एक ही उस पे आते हैं, एक ही पेज पर कि भाई ये जो इस बार रैंकिंग 620 से 720 वालों की एकदम से जो इतने सारे बच्चे आ गए, इसमें कहीं क्या कोई गड़बड़ झाला है। जितेंद्र आपके साथ भी बच्चे हैं, उनसे पूछिए अगर हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहें तो। स्टूडियो में इस वक्त हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे इस पूरे स्कैंडल को लेकर? देखिए इस स्कैंडल को लेकर मैं स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं हमारे सब लोग हैं उनसे बोलना चाहूँगा, कब तक हम लोग ये बार बार जो लीक हो रहे हैं पेपर या फिर मेन जो धांधली हो रही है, क्योंकि आज डॉक्टर बनने का सपना जब कोई देखता है, गरीब माँ बाप का बच्चा, वो पूरी मेहनत करता है पूरे साल और लास्ट में आज मान के चलिए 640-630 वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज की गारंटी नहीं है, तो अगर हम लोग पढ़ भी लेंगे और ये धांधली होती रही तो बच्चा कहाँ से रैंक ला पाएगा, कहाँ से कॉलेज ला पाएगा? कॉलेज स्पेसिफिक सवाल इसके अलावा स्पेसिफिक सवाल ये है कि इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी सबका आगे आना चाहिए और बच्चों की मदद करनी चाहिए। बच्चा अभी और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल करने की कोशिश करेंगे, उनके सवाल जानने की कोशिश करेंगे। हर्ष कोई सवाल आप लोगों का स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट इस वक्त बैठे हुए हैं? या बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आप 1563 बच्चों को एग्जाम करा के सिर्फ नहीं निकाल सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि किन बच्चों को पेपर लीक वाला मिल गया है। जिन बच्चों को पेपर लीक वाला मिला है उन बच्चों को आप कैसे निकालेंगे हम लोगों से आगे, जो हम लोगों से पेपर लीक वाले मामले से आगे निकल गए हैं उन बच्चों को कैसे हटाएंगे? और हाँ, आप आज इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे लगा रहे हैं, अगर जिस दिन जहाँ पेपर रखा गया था वहाँ इतनी सिक्योरिटी अगर लगा देते तो पेपर लीक ही नहीं हो पाता ना। अब पेपर लीक हो गया तो आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे भाई पेपर लीक हो गया? और मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग वहां जाएं जहां पे पटना में पेपर लीक हुआ है और वहां इन्वेस्टिगेट करें कि कैसे। मैं चाहूंगा धीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए इनका।